गाइस, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2021 और 22 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इससे पहले हम पार्ट वन, तो ये पार्ट टू है। तो पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है। तो हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है शेर शाह को, और फिल्म ऑफ द ईयर का मिला था पुष्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ श्रीकांत को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था उमादास गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा माली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन शास्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल के क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए जी अशोक कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT रुड़की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 6 देशों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है कीगन पीटरसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने साकिब उल गनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? तो ये करेंगे बांग्लादेश और USA मिलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुने गया है? तो ये चुना गया देवाशीष मित्रा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? तो इनको बनाया गया चन्नीरा पोनप्पा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये किया है SIDBI ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।